पे आप यहाँ पर आए हैं। ये पहली प्रेस वार्ता मेरी तरफ से, जो प्रेस वार्ता भी नहीं कहेंगे, ये मैं आपसे मिल रहा हूँ, वो उसका उद्देश्य एक इंट्रोडक्टरी जैसे एक रूबरू होने वाली बात है। विस्तार से आपसे बात की जाएगी, आपके प्रश्नों को भी मैं बाद में लूँगा। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश शासन का, सरकार का आभारी हूँ कि मुझे ये दायित्व उन्होंने सौंपा है। लखनऊ को मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, मैं यहाँ ट्रेनिंग कर चुका हूँ कई वर्षों पहले, लेकिन इन दिनों लखनऊ काफ़ी बदल गया है, तो उसको समझने में, सारी समस्याओं को समझने में समय लगेगा। मैं केवल यही आपके माध्यम से लखनऊ की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपराध नियंत्रण की प्राथमिकताएं हैं उसको पूरी तरह से हम एज ए टीम लागू करेंगे। जिस उद्देश्य के साथ पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना हुई है लखनऊ में और अन्य स्थानों पर, उसमें जनता के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग करना, जनता को जितना मैक्सिमम रिलीफ हम दे सके पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको पहुंचवाना, समाज के सभी अच्छे लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना, ये अगर मैं कहूँगा कि प्राथमिकता होगी लखनऊ कमिश्नरेट की और पूरी टीम की, तो ये अनुचित नहीं होगा। मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस समय इस शॉर्ट नोटिस पे, इस इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग चूँकि यहाँ के पुराने हैं, आप लोगों को बहुत विस्तार से जानकारी होगी, मुझे कुछ समय चाहिए होगा इन चीज़ों को जानने के लिए, और जैसे ही समय बीतेगा आपसे मुलाकात भी होगी, बातें होगी। इस समय किसी स्पेसिफिक बिंदु पे बात करने की बजाय मैं केवल यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। देखिए, लखनऊ पुलिस ने पहले भी सभी चुनौतियों का बहुत अच्छा सामना किया है, और मुहर्रम एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएँ हुई हैं और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाओं का हम वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो आपसे इस समस्या के बारे में, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ट्रैफिक की समस्या को स्टडी करने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाए। मैंने आपसे ब्रीफली कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कोशिश ये होगी कि पहले से ही उनके बारे में पता चले और कार्रवाई हो। थोड़ा समय चाहिए, समस्याओं के बारे में आप बहुत विस्तार से, मैंने कहा कि आप जानते हैं, मैं इतनी विस्तार से चीज़ों के बारे में इस समय नहीं जानता हूं क्योंकि मुझे कुछ समय चाहिए होगा जानकारी करने का। समय के साथ उसका अध्ययन किया जाएगा। ट्रैफिक और बाकी जो समस्याएँ हैं उन वो प्रायोरिटी के रूप में उसको देखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग अगर हमें करनी है तो लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों को पुलिसिंग के माध्यम से कैसे कम किया जा सके और अधिक से अधिक राहत कैसे पहुंचवाई जाए, इस व्यवस्था के माध्यम से इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि जो सरकार की प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं को लेकर करेंगे। ट्रैफिक के बारे में आप जानते हैं, लखनऊ का विस्तार जो हो चुका है विस्तार के कारण अलग समस्याएँ हैं, क्राइम से लेकर बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, उन सब को गहराई से अध्ययन किया जाएगा और एज ए टीम हम काम करेंगे और उसका समाधान करेंगे।